स्टैंडर्ड 7 न्यू चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी। अभी देखो लाइन और एंगल हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी आप जब लाइव आओगे ना तभी हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी इसीलिए क्योंकि उसमें एंगल कैसे डिफाइन करना है वो सब आपको मैं लाइव से ही समझा सकता हूँ। वो आपके पास में सब एलिमेंट्स होंगे ना तभी, तो हम वो दो चैप्टर स्टार्ट करके आगे वाला स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो रेशियो तो आपने सुना होगा। रेशियो लाइक मैं ऐसा बोलता हूँ कि उस बच्चे से मेरी एज 2 times है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर उस बच्चे की एज 10 years है तो मेरी एज 20 हो जाएगी। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि उससे मेरी एज, वो जो अंकल है उनसे मेरी एज आधी है, तो अंकल की एज अगर 40 years है तो भी मेरी उसकी आधी मीन्स कितनी हो जाएगी 20। तो ये हो गई कंपेयर, मीन्स आप दूसरे के पास में कंपेयर कर रहे हो कि दूसरे से आधी है, दूसरे से 2 times है, दूसरे से 2/3 times है, दूसरे से 2/3 times है, दूसरे से 3/2 times है, या तो दूसरे से हाफ है, या तो दूसरे से 2 times, मीन्स ये सब क्या है कि दूसरे पे कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे स्पीड दी है कि मैन की दूसरे की स्पीड से 1/6 है। तो ये जब आप दूसरे के डिपेंड में अपनी कुछ वैल्यू बताते हो ना, जब दूसरे के डिपेंड में अपनी आप कुछ वैल्यू बताते हो तो उसको बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी। अब आप मान के चलो कि जब भी आप दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जब भी आप दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर ऑलवेज सेम यूनिट में ही होगा। किसमें होगा कंपेयर? जब भी आप करोगे तो कंपेयरिंग आपको सेम यूनिट में ही करनी रहेगी। तो चलो एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 kg to 300 m। तो अभी मैंने अभी क्या बोला कि जब भी आपको रेशियो या तो जब भी आपको कंपेयर करनी हो तो सेम यूनिट में ही करनी पड़ेगी। तो मीटर दिया है तो 3 किमी 3 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। हमको पता है किलोमीटर क्या है, बड़ा, मीटर छोटा, तो बड़े में से छोटे यूनिट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। किलोमीटर और मीटर में रिलेशन कितने का है, 1000 का, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 1000, तो 3 × 1000 मीन्स कितना आ गया, ये 3000 आ गया। ये किसका आया, 3 किमी का 3000। तो अब रेशियो फाइंड करो, तो ऊपर क्या आएगा 3000 और नीचे क्या आएगा 300। देखो रेशियो को आप ऐसे लिख सकते हो 3000 / 300। ओके, रेशियो का आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो 3000/300, तो ये 2 points कैंसल और नीचे 30 means 3 × 10 बोल सकते हो, और नीचे 3 तो 3 कटेगा, तो जो रेशियो आया वो क्या आया, 10/1। क्या है, 10/1। वैसे ही आर द रेशियो ऑफ 1/2 and 2/3 इज इक्विवेलेंट, तो जो 1/3 आता है, सॉरी 1/2 आता है और दूसरा है 2/3, तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को रेशियो फाइंड करो। तो पहले फाइंड करो 1/2, तो चलो 1/2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आप, किसी से भी, क्योंकि अगर देखो हम ऐसा बोले कि 4/5 है और नीचे दूसरा दिया है 6/5, तो अगर जो नीचे हमको जो वैल्यू दी है अगर वो सेम रहेगी तो हम पता कर सकते हैं कि ये सेम है, तो ऊपर वाली बड़ी वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो 1/2 है और दूसरा आपको 2/3 है। तो देखो 1/2 और 2/3 दोनों को डिनोमिनेटर में सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या 3 से मल्टीप्लाई और या 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3/6, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर, 2 × 2, नीचे 3 × 2, तो ये आंसर आ गया 4/6। तो अब देखो 3/6 और 4/6 दोनों में से बड़ा कौन है, 4/6, तो ये तो हमको क्या पूछा था कि रेशियो इक्विवेलेंट है, नहीं इक्विवेलेंट नहीं है, 4/6 मीन्स ये जो दूसरा वाला है ना वो पहले वाले से ज्यादा है, दूसरा वाला जो रेशियो है वो पहले वाले रेशियो से क्या है, ज्यादा है। तो आप ऐसे भी कंपेयर किसी भी वैल्यू की कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूछा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेट टीम इफ मैचेस इज प्लेड। तो देखो लास्ट ईयर और दिस ईयर, लास्ट ईयर में 8 wins 2 losses, यहाँ पे 4 wins और 2 losses, तो हमको रेशियो बताना है किसका, विन वर्स विन जेम लॉस का, किसका रेशियो बताना है, विन विनिंग मैच का और लॉस। तो लास्ट ईयर का देखो विनिंग का है 8 और लॉस क्या है 2, तो लास्ट ईयर का विन का विन में ले लो 8/2, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4/1, कितना हो जाएगा 4/1। अब हम फाइंड करते हैं किसका, दिस ईयर का,
अब हम फाइंड करते हैं किसका, दिस ईयर का। दिस ईयर में भी विन जैम लॉस, तो विनिंग कितना है इस साल 4, तो लिखो 4। लॉस कितना है 2, तो लिखो यहाँ पे 2, तो 4 जैम 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/1। ये 4 जैम 1 है और ये 2 जैम 1 है, तो कौन सा ज्यादा है, 4 जैम 1 2 जैम 1 ज्यादा कौन सा है, 4 जैम 1। तो अगर आपको पूछे कि विन जैम विन और लॉस का जो रेशियो है वो किसका ज्यादा है, तो 4 जैम 1। 4 जैम 1 किसका आया, लास्ट ईयर का। 4 जैम 1 किसका आया, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर में टीम का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर था इस साल से, इसीलिए लास्ट साल लास्ट ईयर में विन लास्ट ईयर का जो रेशियो है वो 4:1 है और इस ईयर का 2:1। तो जिसका रेशियो ज्यादा, क्योंकि हमने इसीलिए तो विनिंग ऊपर रखा है ना, तो ये टीम ये साल में ये विनिंग ज्यादा है, तो इसका परफॉर्मेंस ये साल के लिए ज्यादा है, मीन्स लास्ट ईयर के लिए ज्यादा है।